तो गाइस फाइनली अभी देखो मेट्रो अभी अंडरग्राउंड जा रहा है इधर से। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक इन अ ब्रांड न्यू व्लॉग। तो गाइस बहुत दिनों बाद मैं व्लॉग शूट करने आया हूँ और फाइनली अपने मुंबई में अंडरग्राउंड मेट्रो स्टार्ट हो चुका है, पीछे देख सकते हो। तो ये है आरे कॉलोनी का स्टेशन, तो इधर से अपन चलेंगे और ये एक ही स्टेशन है जो मेट्रो स्टेशन बाहर मतलब बना हुआ है और बाकी सब अंडरग्राउंड स्टेशन है। तो आज के ब्लॉग में आपको पूरा अंडरग्राउंड मेट्रो का डिटेल ब्लॉग देने वाला हूँ कि कैसे है, कितना स्टेशन ओपन है, किधर किधर आप एक्सप्लोर सकते हो, टिकट वगैरह क्या क्या है। सो ब्लॉग का एंड तक देखना। तो विदाउट टाइम वेस्ट के आज के ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस यहाँ पे आपको कुछ ऐसा टिकट देखने मिल जाएगा, हम लोग ने दो टिकट खरीदा है मरोल नाका तक, अपन बीके से घूम के आने वाले। बट आप इधर पे कार्ड से भी टिकट निकलवा सकते हो, उधर पे UPI वगैरह करके करना या कैश से उधर पे आप निकाल सकते हो। तो इधर से एंट्री गेट है, तो चलते एंट्री करके आपको पूरा डिटेल दिखाते हैं। और सिस्टम सेम ही है पूरा, इधर से आपको स्कैन करना है और इधर से एंट्री लेना है। तो इधर पे आप मैप देख सकते हो, इधर से अपना अपने एरिया वाला पूरा ये रेड और येलो लाइन तो वापस चालू ही है। और ये अभी अंडरग्राउंड मेट्रो वाला लाइन है ये वाला, और ये वाला लाइन है इसका मोनोरेल का, और ये वाला वो घाट घाटकोपर वाला ये मेट्रो है, और ये वर्सोवा से ये वाला नहीं घाटकोपर वाला ये, और ये अंडरग्राउंड मेट्रो वाला है। तो इधर से स्टार्ट है आरए से लेके हम लोग ने मरोल नागा का निकाला है, बट इधर से अभी BKC तक स्टार्ट है। जैसे जाएंगे फिर सिद्धिविनायक मंदिर वगैरह भी क्रॉस करके पूरा मुंबई घूमेगा। तो वही सीन है, ये वाला देख सकते हो आप लाइन इधर से स्टार्ट होने वाला है। तो अगर आप वहाँ आना रहेगा तो आप भी आ सकते हो, इधर से हम लोग ने पकड़ा है। तो अभी चलते आपको पूरा मेट्रो का दिखाता हूँ। तो वैसे अभी पूरा देख सकते हो आप स्टेशन पूरा सजाया हुआ है, क्योंकि मोदी जी ने अभी इनॉग्रेशन किया है 2 दिन पहले, और कल से पब्लिक के लिए स्टार्ट हुआ है और हम लोग 1 दिन बाद आए। और इधर का आपको पूरा मैप अच्छे से दिखा देता हूँ। तो इधर पे आप देख सकते हो, इधर से आरे कॉलोनी से स्टार्ट हो रहा है पूरा, दादर वर्ली सब घूम के जाएगा, और मरोल नाका तक अपन ने टिकट निकाला है तो अपन बीके से घूम के आएंगे। तो अगर शायद से हो सकता है, मेरे हिसाब से तो होना तो चाहिए ऐसा घूम के आने वाला सिस्टम। प्रॉपर मैप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और प्रॉपर मैप भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको। तो अभी आपको दिखाता हूँ कि मेट्रो कैसा है और मेट्रो का सर्विस कैसा है, कितना फास्ट चलता है, कितने टाइम में आता है। तो अभी 5 मिनट पहले अभी ट्रेन गए हैं, तो अभी कितने टाइम में आता है वो भी देखते हैं। और ये लगा हुआ यही ट्रेन उधर से घूम के आएगा या पता नहीं क्या सिस्टम है, तो वही सीन आपको पूरा मेट्रो का दिखा दूंगा। तो अगर आपको आना रहेगा तो अच्छे से आप देख सकते हो, और अगर आपको इंस्टाग्राम पर रील देखना रहेगा तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या तो blogi.aryan जाके आप फॉलो कर सकते हो। बहुत अच्छा चल रहा है मेरा इंस्टाग्राम भी, कछूट अच्छा चलते रहे और ऐसे सपोर्ट करते रहे। तो गाइस फाइनली अभी देखो मेट्रो अभी अंडरग्राउंड जा रहा है इधर से अंडरग्राउंड होने वाला है मेट्रो पूरा अभी, लेट्स गो। तो गाइस यहाँ पे अच्छा खासा एनिमेशन भी दिया, इधर पे अच्छा खासा स्टेशन नंबर दिया, इधर पे आप देख सकते हो पूरा स्टेशन का भी दिया हुआ है एकदम डिटेल में, आप देख सकते हो कि कौन सा स्टेशन आने वाला है। बताइए, जैसे अपन स्टार्ट किए थे BKC से, मरोल नाका आएगा फिर कोटक ये वाले पेट्रोल स्टेशन तक अभी स्टार्ट है, इसके बाद का अभी पूरा बंद है, अभी बनने वाला है। तो अभी पूरा एक्सप्लोर करते हैं, और ये आप मेट्रो स्टेशन देख सकते हो, अभी अपन फर्स्ट डब्बे में बैठे हुए स्टार्टिंग के ही। और इधर पे आप देख सकते हो पूरी पब्लिक और पूरा अंडरग्राउंड मेट्रो चल रहा है, और इधर पे भी अच्छा खासा पूरा मेट्रो का एनिमेशन दिया है, पूरा मेट्रो कैसे चल रहा है, किधर से चल रहा है, पूरा अंडरग्राउंड का सब सीन दिया है। स्टेशन के बीच में आपको पूरा देख सकते हो ऐसा पूरा मेट्रो लगेगा। तो गाइस अपन चढ़े थे आरए स्टेशन से, और आरए स्टेशन ऊपर था मतलब ग्राउंड फ्लोर पे था, तो इसीलिए वैसा थोड़ा ओपन लग रहा था। और ये है मेट्रो स्टेशन BKC का जो कि अंडरग्राउंड है, और अंडरग्राउंड में आप देख सकते हो पूरा ये यूरोप वाली वाइब दे रहा है, जो उधर साइड में रहते हैं वैसे पूरा एकदम वाइब दे रहा है। तो चलते हैं, और इधर से भी अभी ट्रेन आए, यहाँ पर आप देख सकते हो इधर पर आपको लिफ्ट भी मिल जाएगा अच्छा खासा वर्किंग वाला, और पूरा क्लीन एरिया है।
क्लीन ही रहे तो सही रहेगा। और इधर पे एस्केलेटर भी है सामने, आप देख सकते हो इधर पे ये अच्छा खासा एस्केलेटर भी लगा हुआ है और पूरा क्लीन एरिया है, बस कोई घान ना करे तो अच्छा है। तो लेट्स सी, और सब आए नए नए सब देखने के लिए। और इधर पे आप देख सकते हो पूरा क्लीनलीनेस ऐसे ही रहेगा तो सही रहेगा, क्योंकि अपना पता है मुंबई में कैसा सीन रहता है, बस क्लीन रखे तो सही रहेगा। और अगर आप भी आ रहे हो तो जितना हो सके उतना क्लीन रखने का कोशिश करना। और इधर पे आप देख सकते हो बहुत सारा मतलब कंटिन्यूस क्लीनिंग वगैरह प्रोसेस होते रहता है। तो ये थर्ड मेट्रो लाइन 3 फेजेस में ओपन होने वाले, एक आर ए से बीकेसी जो स्टार्ट हो चुका है फेज 1, फेज 2 होने वाला है बीकेसी से वर्ली जो कि अभी थोड़े महीनों में स्टार्ट हो जाएगा, फिर होने वाला है वर्ली से कफ परेड तक का जो कि लास्ट फेज होने वाला है। तो जब होगा अपन वो बनाने के लिए आ जाएंगे पूरा एक, अगर जब पूरा स्टार्ट हो जाएगा मुंबई से ये आर ए से लेके CST जो कि कर्व परेड का रखा हुआ है तो उधर तक अभी अपन बनाएंगे प्रॉपर। तो सब्सक्राइब कर देना और ब्लॉग का एंड तक देखना, अभी एंड ही आ चुका है तो जाएंगे उधर अपन। रिटर्न जाते हुए आपको पूरा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि मेट्रो लाइन 3rd को एक्वा लाइन से भी जाना जाता है। तो पहले येल्लो लाइन, फिर रेड लाइन, पर्पल लाइन, ब्लू लाइन और अभी ये एक्वा लाइन स्टार्ट हो चुका है। तो अगर आपको आना रहेगा तो इधर पर देख सकते हो बहुत ही कम लोग आ रहे हैं और अच्छा खासा स्टेयर केस वगैरह भी है। तो अभी चलते हैं अपन, रिकन जाएंगे और लेट्स सी कितना टाइम लगता है। और बहुत कम मतलब हाफ एन आवर के अंदर अंदर आप आर ए से लेके बीकेसी तक आ सकते हो और इसके वजह से आपका 15% तक का ट्रैफिक कम हो सकता है, ऐसा मानना है इन लोग का। तो गाइज ये है मुंबई का मेट्रो लाइन 3 और इसको एक्वा लाइन से भी जाना जाता है। और इधर पे 27 टोटल स्टेशन है और इसे बनाने के लिए 33,000 करोड़ रुपीस लगे। टोटल 27 स्टेशन होने वाले आर ए से लेके कफ परेड तक जो कि CST के आगे होने वाला है और ये पूरा मुंबई में घूम के जाएगा। अभी मेट्रो स्टेशन मेट्रो आ चुका है तो चलते। और अपन ने टिकट निकाला था मरुल नागा का, मरुल नागा उतर के फिर वापस टिकट निकालने के अपने को आ रहे तक का। तो गाइस ये मेट्रो आपको सुबह 6:30 बजे से लेके 11:30 बजे तक रात के ऑन चालू रहता है, 10:30 तक शायद से चालू रहता है और हॉलीडेज पे मतलब वीकेंड्स पे 8:30 से 10:30 रहता है। तो टाइमिंग आप समझ जाना। और मिनिमम फेयर इधर का 10 रुपये से और मैक्सिमम जो आर ए से लेके पूरा BKC तक आपको जाना रहेगा तो 50 रुपीज़ है और रिटर्न वही 100 रुपीज़ लग जाएगा। सो इसलिए दैट्स इट फॉर द ब्लॉग। आपको मैंने पूरा अंडरग्राउंड मेट्रो का डिटेल ब्लॉग दे दिया, आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया कि कैसा कैसे होने वाला है, कैसा आपको जाना रहेगा, किधर से पकड़ सकते हो सब कुछ। तो ब्लॉग अच्छा लगा रहेगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना। आज के ब्लॉग में इतना रखते, पूरा डिटेल आपको बता दिया है मैंने और एक्सप्लेन कर दिया है, अगर आपको जाना रहेगा तो ज़रूर जाना, बहुत ही मस्त बनाया गया और एक्सपीरियंस लेने लायक है। सो आज के ब्लॉग में इतना रखते, आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आएगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना और रील देखना बिल्कुल भी मत भूलना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो मिलता आपको नेक्स्ट ब्लॉग में जो कि बहुत ज़्यादा कमाल करने के। देन बाय, कीप ट्रैवलिंग एंड पीस।